हेलो दोस्तों, मैं हूं राजा और आज हमारे साथ हैं। हाय, मैं हूं मिली त्रिपाठी। और आज हम आए हैं अपने फॉर्म पे, तो आज आपको अपना फॉर्म दिखाएंगे। ये है अपना फॉर्म, तो चलिए फॉर्म के अंदर चलते हैं और मैं करता हूं बैक कैमरा और फॉर्म का विजिट करवाते हैं आपको। ये है फॉर्म का गेट। ये है पंप हाउस, इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर बोर है और ये पाइप है, और जो वर्कर यहाँ पे काम करते हैं वो यहाँ पे रात में रुकते भी हैं, और जो खाद वगैरह होता है वो यहाँ सब रखा रहता है। तो ये यहाँ पे धान लगी हुई है, रोपा लग रहा है। धान को पहले ऐसे एक एक जगह थरह लिया जाता है, उसके बाद जब 15 दिन 20 दिन का हो जाए उसके बाद उखाड़ उखाड़ के सब जगह लगाया जाता है। तो यहाँ पे वही लगाने वाला काम चल रहा है। मिली को भी ये सब खेत में और पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री में बहुत ही इंटरेस्ट है, इसलिए मिली भी हमारे साथ आती है फॉर्म पे हमेशा। यहाँ मैंगो ट्रीज हैं, जैसे मैंने पहले पिछले वीडियोस में कॉमर्शियल फार्मिंग की बात की थी, वैसे ही इन मैंगो ट्रीज से भी बढ़िया सॉलिड इनकम होती है इनके सीजन पे। ये यहाँ पे लग चुका है और यहाँ पे लगने वाला है, यहाँ सब लग गया है और ग्रोथ भी चालू हो गई है। ये गोबर की खाद रखी हुई है यहाँ पे। ये है मैंगो ट्री, ये बहुत ही मीठा है, और ये वही वाला खेत है जिसमें मैंने सरगम सूडान ग्रास लगाया हुआ था बफेलो के लिए, वो अब उसको क्लियर करके और धान लगा दिया गया है। इन खेतों का मेन क्रॉप धान और गेहूं ही है, बाकी मूंग उड़दा भी लगाया जाता है। इसके बाउंड्री में हमने पिछले साल लिप्टिस के पेड़ और सागौन के पेड़ लगाए थे और इस साल फिर से लगाने वाले हैं, तो कल हम लेके आएंगे सागौन के पौधे और बॉर्डर पे लगाएंगे, तो कल का वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। यहाँ सब धान लग चुका है और वहाँ पे वो वर्कर लगा रही है, जहाँ पे ज़्यादा गैप छूट गया है वहाँ वहाँ पे वो फिर से लगा रही है। यहाँ बारिश अच्छी हो गई है। पिछले साल के लिप्टिस के पेड़ तो लगता है एक भी नहीं बचे हैं, अब इस साल फिर से लगाएंगे और थोड़ा और अच्छा केयर करेंगे। इधर तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है, इस खेत का उस खेत का तो हमेशा बहुत अच्छा पेड़ रहता है ये धान वगैरह का। ये पानी निकालने के लिए ऐसा रहता है, जब इधर पानी ले जाना होता है तो इसको निकाल देते हैं, ऐसी जगहों में सब जगह पाइप लगानी है। और यहाँ पे मैंने पिछले साल सागौन लगाया था, वो शायद एक बचा हुआ है। ये है सागौन का पेड़, ये बच गया है, ऐसे ही कई बचे होंगे लेकिन घास में दब गए हैं, ये तो फिर से उग आएगा।
और इधर साइड अभी खेतों में काम चल रहा है, इनमें भी रोपा लगेगा। और इसके बाद यहाँ नीचे नदी है, तो किसी दिन आपको नदी भी दिखाएंगे। भड़ारी नदी है, भड़ारी नदी भड़ारी से निकलती है और इधर आगे जाके सोन में मिल जाती है। इसकी लेंथ लगभग 30 से 35 किलोमीटर होगी और ये सोन नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है, सोन जो कि बिहार में जाके गंगा में मिल जाती है और अमरकंटक से निकलती है। तो ये है दोस्तों हमारा फॉर्म। तो मिली कैसा लगा तुमको फॉर्म? बहुत अच्छा फॉर्म है। तो कल आओगी तुम सागवान लगाने इधर? हाँ। तो अब डेली यहाँ की ग्रीनरी बढ़ते ही चली जाएगी और कुछ दिनों बाद यहाँ का नजारा बहुत ही अच्छा होगा। तो हम अब डेली आया करेंगे इधर और इधर ये धान का प्रोग्रेस आपको दिखाया करेंगे और भी जो हमारे फॉर्म है वहाँ की भी आपको विजिट करवाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।